वैसे सामने से किस लेते हैं तो हम पीछे ही सही ले लें हैं। कोई हाथ से पकड़ रहा है, कोई ऐसे ही ले जाके हाथ से यूं पकड़ लिया, सीधे के सांप को मारता है, फिर पकड़ता है, फिर मारता है, फिर पकड़ता है, ये कितने। लेकिन कुछ लोग तो ऐसे यूट्यूब पर हैं दोस्तों कि उनको हर हफ्ते सांप मिलता है कुएं में, कुआं एकदम साफ होगा उनका, वो ज्यादा गहरा नहीं होगा, कुएं में पानी नहीं होगा। तो अस्सलाम वालेकुम आदाब दोस्तों, वेलकम है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पर। मैं स्नेक कैचर आबिद आप सबका वेलकम करता हूं। दोस्तों आज का टॉपिक जो जैसा कि पिछले वीडियो में वादा किया था कि जो बहुत तेज़ी से एक फसल बढ़ रही है रेस्क्यूअर्स की, उसके ऊपर बात करनी है दोस्तों कि स्नेक रेस्क्यूअर बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। हमें कॉल्स आते हैं, प्लस बहुत सारे कॉल्स आते हैं दूसरे रेस्क्यूअर्स के पास में, वो भी हमसे बताते हैं तो ये ऐसा क्यों है। और इसी कारण बहुत सारी मौतें भी पूरे भारत में हो रही हैं रेस्क्यूअर्स की, ठीक है। तो इसके पीछे क्या कारण है, क्या वजह है, उस पर बात करते हैं। हमारे साथ अजय हैं और इनके भाई अरुण हैं साथ में। अजय को तो जानते ही आप लोग, इनके वीडियो भी चैनल पे कई पड़े हुए हैं और अरुण का नया इंट्रोडक्शन है। तो सबसे पहले अजय से बात करते हैं क्योंकि अजय से हम जो अजय हमारे साथ में रहते थे पिछले 2 साल पहले, और ये क्या करते थे, शूट करते थे सिर्फ, और इनको कोई लेना देना नहीं था सांप से, ठीक है। और फिर हुआ ये कि कहते नहीं कि ऊपर वाला खेल खेलता है, जब ऊपर वाला कुछ चाहता है ना तो आपके चाहने से कुछ नहीं होता, वो हो जाता है। तो कुछ अजय के साथ भी, अच्छा अजय तुमको पता था कि तुम इस लाइन में आ जाओगे? मुझे बिल्कुल नहीं पता था, कोई इंटरेस्ट भी नहीं था, इंटरेस्ट भी नहीं था कि मैं ऐसा करूँगा, मगर क्या करें, जो किस्मत होती है होता वही है। लोग इतने कॉल कर रहे हैं, लोग इतना क्रेजी हुए जा रहे हैं और तुम कह रहे हो इंटरेस्ट नहीं था। यही चीज़ है दोस्तों, कहते ना ऊपर वाला जब चाहता है ना तो फिर आपका मन हो ना हो करना पड़ता है, आपके चाहने ना चाहने से कुछ नहीं होता है। तो अजय जिस तरह से इस फील्ड में आया, वो ये था कि एयरपोर्ट में जॉब थी, तो हमने अजय से बात की कि यार जॉब है करोगे तो? उन्होंने कहा हाँ करेंगे। हमने भी की थी साथ में कुछ दिन, महीनों तक की, फिर छोड़ दी हमने, वो रीज़न क्या हुआ अलग मैटर है। तो इन्होंने कहा सांप तो पकड़ नहीं पाते, तो हमने कहा कोशिश करो तो 1 महीने में ट्रेन हो जाओगे। तो इतना इनको महीने में लगभग आ गया था कि वहाँ पे जाकर, क्योंकि वहाँ पे टूल्स वगैरह थे तो इनके लिए आसानी थी। तो लेकिन आज इनकी खासियत ये है जो हम आगे आपको समझ में आएगा हम क्यों इनकी बात करें। इनकी खासियत ये है कि 1 साल के बाद भी ये कोई स्टंट नहीं करते हैं, ये सांप के साथ में कोई खिलवाड़ नहीं करते हैं, सांप को पूरा सम्मान देते हैं। बिल्कुल सिंपल सादा तरीका है इनका सांप को पकड़ने का, रेस्क्यू करने का। बल्कि हमको ये खुद बोलते हैं, कभी कभी हम छोटा मोटा स्टंट करते हैं तो कहते हैं बस छोड़ दो इसको, जाने दो, है ना। तो ये इतना रिस्पेक्ट करते हैं। और बाकी तो वीडियो इनके हैं, आप देख लीजिएगा, मैं आई बटन पे जाइएगा, इनके वीडियो चेक कर लीजिएगा जाकर। बाकी दूसरी बात ये भी है ना, अभी तक 1 से 1.5 साल हो रहा है, मैं सांप का मुँह तक नहीं पकड़ा हूँ। अभी एयरपोर्ट में जो है अजगर निकला था, ठीक है, तो मैं उसका सर पकड़ा पहली बार 1 से 1.5 साल में। अभी तक जितने भी सांप पकड़े हमने पूंछ से रेस्क्यू किए हैं, जितने भी, या कोबरा हो या रेड स्नेक हो या बॉल स्नेक हो या कुकरी हो या रसल वाइपर हो, सबको मैंने पूंछ ही से पकड़ा है और टोंग से यानी हैंडल से उसको हैंडल किया है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है, ये उन नए रेस्क्यूअर के लिए सीख है जो सीधा सीधा, कुछ ऐसे हैं जो जिनका चैनल बहुत आगे है, जो फेक वीडियो बनाते हैं फिर भी लोग उनके फॉलोवर्स हैं, ये उनके लिए, उनको देख करके वो जो नए नए लोग मुंडी पकड़ा करते हैं ना, तो उनके लिए सीख है, ठीक है ना। बहुत गलत तरीका है मुंडी पकड़ना, ये अपने आप पे रिस्क है, बहुत ही ज़्यादा रिस्क है, तो इसको थोड़ा सा अपने हिसाब से हैंडल करिए। साथ साथ में सांप को भी दिक्कत होती है, बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होती है, उसको भी घुटन होती है, जब घुटन होगा, हम किसी का भी आपका ढेटवा दाब दें ऐसे करके तो आप भी थोड़ी देर तो ठीक है, लेकिन बाद में हाथ पर चलाओगे, ठीक है। तो कोई भी चीज़ हो, आपको कोई टांग दे, बहुत से लोग सांप को ऐसे टांगे रहते हैं, वो भी गलत है, हवा में टांगे रहना गलत है भाई, उसका नेचर नहीं है, सांप उड़ता थोड़ी ना है। आप उसको ऐसे टांग लोगे हवा में, वो तो ज़मीन पर रेंगने वाला है, पूरा रेंगता है, ठीक है। आप उसको हवा में टांग लोगे, थोड़ी देर टांगे रहोगे तो वो झटपटाएगा, और उसको टांगो तो उसके स्टिक लगा दो, स्टिक लगा, थोड़ा सा सपोर्ट भी, हाँ, ताकि उसे लगे कि हम सपोर्ट में है, सेफ है, थोड़ा सा उसके गुस्से को कंट्रोल करने के लिए, है ना। तो खैर ये थोड़ा लंबा टॉपिक हो रहा है, तो सो अब बात करते हैं अरुण से, क्योंकि ये अभी जल्दी में ही आए हैं और अजय ही इनको ट्रेन कर रहे हैं। हमारा तो थोड़ा सा 1-2 बार हुआ है सामना इनके साथ में, तो इनके अंदर डर बहुत ज़्यादा है। और डर
होना भी चाहिए, इसलिए क्योंकि डर ही आपकी हिफाजत कर सकता है, आपको सेफ रख सकता है, है ना। जब आप डरोगे नहीं तो आप बहुत ज़्यादा उल्टा सीधा करोगे, उसमें दुर्घटना होगी, है और आपकी दुर्घटना आपके लिए तो घातक होती है, लेकिन अगर आप यूट्यूबर हो तो कितने लोगों की जान ले जाती है ये दुर्घटना, ठीक है। तो खैर अरुण से पूछते हैं, अरुण क्या बोलोगे? मैं बोलना चाहता हूँ ये कि मैं डरता भी हूँ लेकिन अपने हिसाब से पकड़ता भी हूँ। तुम्हारे अंदर तो डर है, ठीक है ना, तुम कह रहे हो कि हम डरते हैं, लेकिन इसलिए कर रहे हो क्योंकि एक जॉब मिल रही है, एक नौकरी मिल रही है, तो थोड़ा कर लें ताकि अपनी सेफ्टी से काम भी होता रहे, खर्चा भी चलता रहे, है ना। लेकिन कोई चाहत या शौक पहले से नहीं थी, लेकिन जो लोग स्टंट कर रहे हैं, ऐसा कभी मन किया स्टंट करने का? अजय तुम्हारा कभी मन किया कि कभी लाओ साहब को स्टंट करें, कुछ फेमस हो, हम भी लोग ऐसे सामने से किस लेते हैं तो हम पीछे ही सही ले लें, हैं ऐसा नहीं? अरुण तुम्हारा है कभी मन आगे हुआ ऐसा करने का? अच्छा यूट्यूब पे वीडियो देखते हो बहुत से लोगों के, कि नहीं जी, जी। आप क्योंकि काम कर रहे हो तो वीडियो तो देखते ही होगे, है ना, सीखने के लिए, तो उसमें कैसे कैसे स्टंट आते हैं बताओ जरा से। कोई हाथ से पकड़ रहा है, कोई ऐसे ही ले जाके हाथ से यूं पकड़ लिया सीधे, तुम ये नहीं सोचते हो कि कल हम भी ऐसे ही करेंगे? नहीं नहीं, इससे नहीं, नहीं, नहीं। अब कोई कोई देखो इतना गलत तरीका है कि सांप को मारता है फिर पकड़ता है फिर मारता है फिर पकड़ता है, ये कितने गलत तरीके से पकड़ते हैं दोस्तों। देखिए ये जो तरीका, जैसे अभी हमने बताया था कि सांप को टांग लेना फिर उसको गुस्सा दिलाना, ठीक है, ये सब क्या है, ये गलत तरीके हैं। हम जितना हो सके सांप को गुस्सा ना दिला करके उसको ये लगे कि वो सेफ है, हम उससे गुस्सा ना दिला कर सेफली उसको रेस्क्यू करें, ठीक है। इसलिए तो ज़्यादातर क्या है कि होता यह है दोस्तों कि जो नए लड़के जवानी जब आती है नई नई, तो क्या होता है सिर्फ एक ही चीज़ होती है, वो होता है जोश और सपने बड़े बड़े, चाहते बड़ी बड़ी, और फेमस होने की एक बहुत ही ज़्यादा ललक होती है कि हम दुनिया में सबसे ज़्यादा माने जाने हो जाएं, क्योंकि उनको यही पता होता है, ठीक है, क्योंकि नया नया उभरता हुआ इंसान जवानी होती है वो यही सोच रखती है। आप भी इससे एग्री होंगे, हों तो कमेंट में ज़रूर करें। दूसरी कैटेगरी दोस्तों ये है कि हो सकता है पैसा कमाने के लिए आ पा रहे हो, क्योंकि वो लोग देख रहे हैं कि बहुत सारे यूट्यूबर सांप पकड़ करके बहुत सारा पैसा कमा रहे हैं, ठीक है, रेस्क्यू करते हैं, उसका वीडियो बनाते हैं, डालते हैं चैनल पर और उससे पैसा कमा रहे हैं। एक ये भी वजह हो सकती है वो भी पैसा कमाना चाह रहे हों। दूसरी वजह ये भी हो सकती है, तीसरी वजह दोस्तों वो ये कि वो उनको प्यार हो, जानवरों से प्यार हो, जैसे हमें था। हमारी तो कहानी मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन दोस्तों सच में मैंने कभी सोचा नहीं था कि YouTube मेरा चैनल होगा और चलेगा। चैनल आप देख लीजिए मेरा बहुत पुराना है, 7 साल शायद हो गए होंगे चैनल के, लेकिन जो हमने ध्यान दिया है वो दिया पिछले साल से, ठीक है, लगभग एक ही साल हुआ है। तो हमने चैनल पे ध्यान दिया, जब कुछ लोगों ने कहा, खासतौर मेरा साला है, उसने बोला फरहान ने कि कुछ करो, इससे बहुत कुछ हो सकता है, तुम्हारे बाद के चैनल बहुत आगे निकल गए, तुम इतना पुराना चैनल कुछ नहीं कर पाते। तो हमने ध्यान दिया, एडिटिंग सीखी और फिर हम उस पर धीरे धीरे आप काम कर रहे हो, आप लोगों का प्यार मिल रहा है और उम्मीद है कि आप लोगों का प्यार और मिलता रहेगा। तो दोस्तों सांपों से प्यार ही है जो हमको इस लाइन में लेकर के आया। एक बार बता दें दोस्तों, अगर आपको ये चीज़ है तो ही आप इस लाइन में आइए, अगर नहीं है तो आपको ये भी बता दें, जो स्टंट करते हैं हर साल 500 लोग मरते हैं स्नेक रेस पर, क्यों? क्योंकि उनको पता नहीं होता है हैंडल। एक साल हुआ अभी सीखा, अब मान के अजय पिछले साल से सीख रहे हैं, अभी अगर वो स्टंट करने लगेंगे तो उनको कितना अनुभव है, हमको तो 8 साल हो गए हैं, लेकिन हम भी आज वो बड़े बड़े स्टंट वैसे नहीं करते हैं, कर सकते हैं लेकिन क्यों करें फालतू में। हम अगर सामने से किस लेंगे, मिसाल के तौर पर अजय हम सांप को सामने से किस ले रहे हैं ऐसे करके मुँह के सामने, हो सकता है हम करें सफल हो जाएं, लेकिन 1% ये भी चांस है कि हम फेल हो जाएं, रिक्स भी तो है, ओट में काट लें, जान अगर बच भी गई तो मुंह दिखाने के लायक रहेंगे अरुण? नहीं, ये होट सड़ जाएगा, काटना पड़ जाए, कुछ हो जाए, तो सोचो आप क्या है, लोग मर जाते हैं, कितने मर गए आप देखिए ना, कितने बड़े बड़े अच्छे रेस्कोर चले गए दुनिया से। तो ये खेल स्टंटबाजी इसके चक्कर में ना पड़िए, थोड़ा वक्त दीजिए तब आपको समझ आ जाएगा कि ज़िंदगी की कीमत बहुत ज़्यादा है। हम लोग दोस्तों जेन्युइन तरीके से सही तरीके सांपों को रेस्क्यू करते हैं, उन्हें रिलीज़ कर देते हैं, ठीक है। तो होता यह है कि हर जगह का माहौल ये है, जो दिखावा करता है वो आगे निकल जाता है, ऐसे ही कुछ माहौल बना हुआ है आजकल YouTube के ऊपर। साफ साफ पता है कि ये फेक वीडियो बना रहा है, लेकिन फिर भी उसके मिलियन के हिसाब से सब्सक्राइबर हैं, ठीक है। अभी देखिए हमारे साथ में पूरे यूपी से रेस्क्यूअर जुड़े हुए हैं, यूपी के बाहर से भी जुड़े हुए हैं लोग। हमने सबसे पूछा है, भैया आपको कभी कुएं में सांप मिला? किसी ने कहा एक बार मिला, किसी ने कहा दो बार मिले, एक ही मिला या दो सांप मिले, इससे ज़्यादा नहीं। लेकिन कुछ लोग तो ऐसे यूट्यूब पर हैं दोस्तों कि उनको हर हफ्ते सांप मिलता है कुएं में और एक नहीं मिलता है, अजय 4 से 5, 6 से 7, और कुछ कुछ चीज़ें और भी होती हैं,
कुत्ता होगा या बिल्ली होगा या कुछ होगा। और कुछ नोटिस किया दोस्तों आपने? कुआं एकदम साफ होगा उनका, ज्यादा गहरा नहीं होगा, कुएं में पानी नहीं होगा। यही तो ये हर हफ्ते इस तरह के वीडियो उनके आते हैं और उनके वीडियो में तुरंत 2-4 दिन में मिलियंस के व्यूज हो जाते हैं। दूसरी बात, मुझको 1 से 1.5 साल हो रहे हैं और 5 से 6 साल इनके साथ हमने वीडियो बनाई है और इनका कैमरा कैचिंग भी किया हमने, मगर आज तक कुएं में सांप हमने भी नहीं पकड़वाया। ना ही तो वीडियो ऐसी बनाई होता है। अब कुछ जगह ऐसी है जहाँ सांप मिल जाएगा। अभी देखिए ना, आकाश यादव जी हैं या और लोग हैं, पकड़ते हैं, एक सांप है लेकिन कुएं में इतना गंदगी है, पानी है, सब कुछ है, जाते उतरते इतनी मेहनत करते हैं तब उस एक सांप को निकाल के लाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे यूट्यूबर हैं जो उनको हर हफ्ते मिलता है एकदम साफ सुथरा कुआं, ना उसमें जाला लगा होगा, ना उसमें घास होगी, ना उसमें कूड़ा होगा, सीधे उतरते हैं और बढ़िया बढ़िया सा साफ सुथरा है और सारे बढ़िया बढ़िया सांप हैं, उसको रेस्क्यू किया और बढ़िया भीड़ इकट्ठा की, वीडियो शूट किया और मिलियंस के व्यूज़ आ गए, लाखों रुपये महीने के कमा लिए। तो ये जलन नहीं है दोस्तों, ये आपको अवेयर करना है कि आपको क्या पसंद है। अगर आपको ऐसे फेक वीडियो देखने पसंद है तो अलग बात है। अगर आप हमें यूट्यूब पर पुराने हैं या जुड़े हैं पहले से तो आपको पता होगा कि हमारे वीडियो कैसे होते हैं दोस्तों। हम कोशिश करते हैं सिर्फ सांप को हैंडलिंग करना ही ज़रूरी नहीं है, बल्कि उसमें कोई मज़ा नहीं है। जितने भी हैंडलर्स हैं आज जो मौतें हो रही हैं हर साल, क्या है वो सिर्फ हैंडलिंग करते हैं, सिर्फ हैंडलिंग स्टंट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर आपको सच में प्यार होगा सांपों से, जीवों से, तो आप उनके बारे में जानकारी लोगे, उनकी ज़िंदगी के बारे में पढ़ोगे, उनकी गहरे से स्टडी, गहराई से स्टडी करोगे, है ना। तो ऐसा करोगे तो आप लोगों को भी वही चीज़ दोगे जानकारी। तो या तो आपको ये पसंद है तो आप हमारे, अगर नए हैं तो आप अभी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, वीडियो भी शेयर करिए। या आपको सिर्फ ऐसे वीडियो पसंद है फेक कि उसमें बहुत सारा सांप दिखाया जाए और कुएं दिखाया जाए या डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें, भीड़ दिखाई जाए, तो आप फिर कोई बात नहीं, ना सब्सक्राइब करिए चैनल को मेरे, ना देखिए मेरे चैनल को, ठीक है दोस्तों। बहुत कड़ी मेहनत करके हम सांपों के बारे में जानकारी भी लाते हैं और सांप के रेस्क्यू की वीडियो भी लाते हैं। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो, जानकारी अच्छी लगी हो, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और ऐसे लोगों के चैनल को जो फेक वीडियो बनाते हैं, ऐसे लोगों को चैनल को अनसब्सक्राइब करिए ताकि इनको अकल आए। और सांपों के साथ खिलवाड़ करना, सांपों के स्पीसीज के साथ में घिनौने काम करना, ये सब ये बंद करें। जहाँ जो स्पीसीज नहीं होती है वहाँ वो स्पीसीज मिल रही है, इसका मतलब क्या हुआ? हम डिस्ट्रीब्यूट करें स्पीसीज को, हम कहीं की स्पीसीज ला के कहीं छोड़ रहे हैं, ये तो बहुत ही घिनौना काम है ना दोस्तों। तो जो सांपों से प्यार करता है वो ऐसा नहीं कर सकता है, वो कुछ ऐसे लोग हैं जो सिर्फ पैसा ही कमाना चाहते हैं। दोस्तों जानकारी अच्छी लगे फिर से वही चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट जरूर करके ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा। तो बोलेंगे एक साथ, तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर करना भी ना भूलिए। तो हम लोग मिलते हैं किसी और वीडियो में, किसी और जानकारी या किसी और सांप के साथ में। तब तक के लिए वेट, थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।